हेलो एवरीवन वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट इस वीडियो में मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन का हम लोग फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जेनरेशन थर्ड जेनरेशन फोर्थ जेनरेशन और फिफ्थ जेनरेशन के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए हम लोग आते हैं जो इसमें कंटेंट है वो क्या क्या है इंट्रोडक्शन है वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है वायरलेस क्या होता है वन टेक्नोलॉजी है वन मतलब फ़र्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी सेकेंड जनरेशन टेक्नोलॉजी मॉडल्स ऑफ वन जी एंड टू जी टू पॉइंट फाइव जी टेक्नोलॉजी थ्री जी टेक्नोलॉजी फोर जी टेक्नोलॉजी फाइव जी टेक्नोलॉजी वायरलेस अप्लीकेशन कहाँ पर कहाँ पर उसका अप्लीकेशन है वायरलेस सर्विस कहाँ कहाँ पर हम सर्विस करते हैं वायरलेस का सर्विस होता है इवोल्यूशन फ्रॉम वन जनरेशन टू फा फिफ्थ जनरेशन और लास्ट में कंक्लूजन है तो देखिए पहला सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं वायरलेस होता क्या है द वर्ड वायरलेस इज डिक्शनरी डिफाइन हैविंग नो वायर वायरलेस देखिए एक होता है कम्युनिकेशन वायर्ड कम्युनिकेशन होता है और एक वायरलेस होता है मीन्स विदाउट वायर तो ये वायरलेस कम्युनिकेशन है ठीक है हम लोग वन जी टू जी थ्री जी जो भी देख रहे हैं मोबाइल जो होता है मोबाइल में वायरलेस कम्युनिकेशन होता है वही टेलीफोन जो है टेलीफोन में वायर्ड कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन जो वायर के थ्रू होगा उसको हम लोग वायर कम्युनिकेशन बोलेंगे और जो विदाउट वायर होगा उसको हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन बोलेंगे तो वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है हैविंग नो वायर डिफाइन हैविंग नो वायर इन नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी वायरलेस इज द टर्म यूज़ टू डिस्क्राइब एनी कंप्यूटर नेटवर्क वेयर देयर इज़ नो फिजिकल वायर्ड कनेक्शन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर है नेटवर्क टेक्नोलॉजी में हम लोग वायरलेस को कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे जो सेंडर और रिसीवर के बीच में जो है नो फिजिकल वायर्ड कनेक्शन मीन्स वायर्ड कनेक्शन नहीं होगा जैसे मोबाइल से हम लोग बातचीत करते हैं तो एक सेंडर एक रिसीवर ठीक है तो वहाँ पे बीच में कोई जो है वायर्ड नहीं होता है फिजिकल वायर्ड कनेक्शन नहीं होता है बट रेदर द नेटवर्क इज कनेक्टेड बाई रेडियो वेव्स और एंड और माइक्रोवेव टू मेंटेन कम्युनिकेशन अब देखिए वाइड कम्युनिकेशन में क्या होता है हम लोग वायर के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं वायरलेस में क्या होता है जो मीडियम होता है यहाँ पे वाइड कम्युनिकेशन में जो मीडियम है वो वायर होता है और वायरलेस कम्युनिकेशन में जो मीडियम होता है वो रेडियो वेव होता है या माइक्रोवेव होता है ठीक है रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव तो वायरलेस कम्युनिकेशन में रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स की मदद मतलब से कम्युनिकेशन होता है वायरलेस नेटवर्किंग यूटिलाइजेज स्पेसिफिक इक्वमेंट सर्चेज एन आई सी राउटर इन प्लेस ऑफ वायर देखिए वायरलेस नेटवर्क जो है क्या यूज करता है तो ये एन का या राउटर का यूज करता है वायरलेस कम्युनिकेशन ठीक है वायरलेस कम्युनिकेशन में राउटर का यूज किया जाता है आ, इन प्लेस ऑफ वायर जैसे वायर्ड कम्युनिकेशन में हम लोग वायर का यूज़ करते हैं जैसे कि कॉपर का या ऑप्टिकल फाइबर का हम लोग यूज करते हैं वायर्ड कम्युनिकेशन में और वायरलेस कम्युनिकेशन में एन या उसके जगह पर राउटर का यूज किया जाता है जो सिग्नल को रिसीव कर सके नेक्स्ट हम लोग आते हैं जनरेशन पे वन जी टेक्नोलॉजी वन जी टू जी थ्री जी जो आप लोग देख रहे हैं वन जी मतलब फर्स्ट जनरेशन ये सबसे पहला था सबसे पहला जो था वो वन जी था मतलब फर्स्ट जनरेशन यहाँ पे देखिए वन जी मोबाइल फोन जो था कुछ इस तरह का था वन जी रेफर्स टू द फर्स्ट जेनरेशन वन जी मतलब फर्स्ट जनरेशन ऑफ वायरलेस टेलीफोन टेक्नोलॉजी वायरलेस टेलीफोन टेक्नोलॉजी का ये फर्स्ट जनरेशन था मीन सबसे पहले मोबाइल टेली विच वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1980 मोबाइल कम्युनिकेशन जो है सबसे पहले 1980 में आया एंड कंप्लीटेड इन अर्ली नाइनटीन नाइन्टीज के शुरुआती में जो है इसको कम्प्लीट कर लिया गया इट्स स्पीड वाज अप टू टू पॉइंट जो वन का जो स्पीड था वो 2.4 किलोबिट्स पर सेकेंड था इट अलाउ द वॉइस कॉल इन वन कंट्री ये एक ही देश में जो है वॉइस कॉल जो है कॉलिंग जो है ऑडियो कॉलिंग अलाउ करता था वीडियो कॉलिंग का तो बात ही छोड़ दीजिए वन जी नेटवर्क यूज एनालॉग सिग्नल वन जी जो है फर्स्ट जनरेशन जो है वो एनालॉग सिग्नल का यूज करता था एनालॉ सिग्नल का ए एम पी एस वॉज द फर्स्ट लॉन्च इन यू एस ए इन वन जी मोबाइल सिस्टम ए एम पी एस जो है वो सबसे पहले लॉन्च हुआ था यू एस ए में अमेरिका में कब इन वन जी मोबाइल सिस्टम में ए एम पी एस जो है लॉन्च हुआ था अमेरिका के द्वारा यूएसए के द्वारा नेक्स्ट हम लोग ड्रॉबैट की ड्रॉबैक की बात कर ले खामियाँ की बात कर ले फर्स्ट जनरेशन का तो इसका जो वॉइस क्वालिटी था वो पुअर था पुअर वॉइस क्वालिटी था पुअर बैटरी लाइफ था मतलब बैटरी का जो लाइफ था वो कम था लार्ज फोन साइज फोन का साइज जो है लार्ज था आप देखेंगे जैसे जैसे जनरेशन बढ़ते चला गया फ़ोन जो है स्लिम होते चला गया आप रिसर्च वर्क में यही चीज़ करते हैं जो एरिया जो है हम लोग एरिया पे को रिड्यूस करते हैं ठीक है स्पीड को बढ़ाते हैं तो ये सब चीज़ पे ही मेनली काम होते रहता है तो देखिएगा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते चला गया आपका मोबाइल फ़ोन जो है एरिया कम होते गया स्लिम होते गया ठीक है आप टेलीविजन में देख लीजिए या फिर आप मोबाइल में देख लीजिए उसका एरिया रिड्यूस करते चला गया ठीक है टेक्नोलॉजी इन्हांस का यही फायदा है तो लार्ज फोन साइड था नो सिक्योरिटी सिक्योरिटी नहीं था इसमें लिमिटेड कैपेसिटी था स्पेस uh, कम था पुअर हैंड ऑफ रियलिबिटी हैंड ऑफ रिलेबिलिटी जो है पुअर था रिलेबिलिटी मतलब होता है रिलेबिलिटी मतलब होता है विश्वसनीय या भरोसेमंद विश्वास नहीं है भरोसा में हैंड ऑफ क्या होता है हैंड ऑफ जो है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ए मोबाइल टेलीफोन कॉल फ्रॉम वन सेल टू अनदर विदाउट ड्रॉपिंग द कॉल ठीक है हैंड ऑफ एक प्रोसेस होता है जिसमें जो है मोबाइल टेलीफोन कॉल को जो है ट्रांसफ़र किया जाता है एक एक कॉल से दूसरे कॉल विदाउट ड्रॉपिंग बिना ड्रॉप के ठीक है तो इसका जो है ये चीज़ पुअर था पुअर हैंड ऑफ रिलेविडिटी मतलब ड्रॉपिंग इसमें ज़्यादा था तो ये वन जी का डिसएडवांटेज था जिसके कारण क्या हो गया फिर टू जी आया सेकेंड जनरेशन आया टू जी सेकेंड जनरेशन ये देखिए आपका कनेक्टिंग इंडिया ये जो मोबाइल में था टू जी टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द सेकेंड जेनरेशन विच इज बेस्ड ऑन जी एस एम टू जी जो है वो जी एस एम पे बेस्ड था जी का फुल फॉर्म क्या होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन जी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन ठीक है ये सेट का अभी भी हम लोग यूज़ करते हैं कॉलिंग पर्पज़ से खास करके अभी भी आप देखिएगा इंडिया में यूज होता है लेकिन कॉलिंग पर्पज़ से ओनली ये डाटा के लिए नहीं है और जी एस एम बेस्ड था ग्लोबल सिस्टम फॉर ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन इट वाज लॉन्च इन फिनलैंड इन द ईयर 1991 वन ये जो है टू जी टेक्नोलॉजी जो है फिनलैंड में सबसे पहले लॉन्च हुआ उन्नीस सौ इक्यानवे में टू जी नेटवर्क यूज डिजिटल सिग्नल देखिए वन जी जो है एनालॉग सिग्नल यूज करता था वही टू जी जो है डिजिटल सिग्नल यूज करने लगा इट्स डेटा स्पीड वाज अप टू सिक्सटी फोर के बी पी एस अब इसका डेटा स्पीड कितना हो गया सिक्सटी फोर के बी पी एस हो गया और वन जी का डेटा स्पीड कितना था टू पॉइंट फोर के बी पी एस था ठीक है तो डेटा स्पीड क्या हो गया इसमें इंक्रीज कर गया उसके बाद हम लोग फीचर क्या क्या और फीचर इंक्लूड था इसमें टू में इट इनेबल सर्विस सर्विसेज सच एज टेक्सट मैसेज आप टू टेक्नोलॉजी में टेक्स्ट मैसेज मतलब मैसेज आप भेज सकते थे ठीक है वन जी में आप मैसेज भेज नहीं कर सकते हैं केवल ऑडियो कॉल ही था मैसेजिंग नहीं था टू जी में मैसेज आप सेंड कर सकते थे पिक्चर मैसेज एंड एमएमएस आप पिक्चर मैसेज सेंड कर सकते थे मल्टीमीडिया मैसेज सेंड कर सकते थे इट प्रोवाइड्स बेटर क्वालिटी एंड कैपेसिटी ये जो है अच्छा क्वालिटी और अच्छा कैपेसिटी इसका था ठीक है कंपेयर टू वन जनरेशन वन जनरेशन के कम्पेरिजन में टू जी में बहुत सुधार आया ठीक है उसके बाद जो है इसमें भी कुछ खामियां थी टू जी रिक्वायर्स ए स्ट्रॉन्ग डिजिटल सिग्नल टू जी में जो है स्ट्रॉन्ग डिजिटल सिग्नल चाहिए था टू हेल्प मोबाइल फोन वर्क मींस मोबाइल को जो है काम करने के लिए इसमें क्या चाहिए था स्ट्रॉन्ग डिजिटल सिग्नल चाहिए था इफ़ देयर इज़ नो नेटवर्क कवरेज इन एनी स्पेसिफिक एरिया अगर ऐसा दूर दराज का जो है रिमोट एरिया कोई था जहाँ पे अच्छा नेटवर्क नहीं था डिजिटल सिग्नल वुड भी वीक वहाँ पे डिजिटल सिग्नल क्या होता था वीक हो जाता था मीन्स इसके लिए स्ट्रॉन्ग डिजिटल सिग्नल चाहिए था ठीक है तो ये इसका डिसएडवाटेज था दीज सिस्टम्स आर अनएबल टू हैंडल कॉम्पलेक्स डेटा सच एज वीडियोज और ये जो टू जी जनरेशन जो था टू जी जो था ये कॉम्प्लेक्स डेटा को हैंडल नहीं करता था जैसे वीडियो को ये हैंडल नहीं करता था ये ऑडियो के लिए तो ठीक था लेकिन वीडियो को ये हैंडल नहीं कर पाता था अब देखिए यहाँ पर इवोल्यूशन की बात करें तो देखिए वायरलेस कम्युनिकेश मॉडल्स ऑफ वन जी एंड टू जी देखिए कैसे कैसे जो है चेंजिंग आते चला गया वन जी में बड़ा था उससे छोटा हुआ फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा देखिए इस तरह से जो है ये स्लिम होते चला गया और ये जो है हमेशा जो है कंटिन्यू जो है इवोल्यूशन होते रहा ये वन जी है और ये टू जी में देखिए कैसे जो है ट्रांसफॉर्म हो रहा है सेलफोन जो मोबाइल फ़ोन है वो कैसे ट्रांसफॉर्म होते चला गया नेक्स्ट हम लोग बात करें टू पॉइंट फाइव जी टेक्नोलॉजी का तो ये टू जी मीन्स सेकेंड जेनरेशन और थर्ड जेनरेशन के बीच का है ये टू पॉइंट फाइव जी ये टेक्नोलॉजी बिटवीन द सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी ये टू जी और थ्री जी के बीच में है इसीलिए इसका नाम टू पॉइंट फाइव जी दे दिया गया टू पॉइंट फाइव जी इज समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज टू जी सेलुरल टेक्नोलॉजी कंबाइंड विथ जी पी आर एस इसमें क्या हो गया जी पी आर एस को एड कर दिया गया जी पी आर एस का फुल फोन क्या होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्फिस जनरल पैकेट रेडियो सर्विस तो इसमें जी जो है इंक्लूड कर दिया गया टू में ठीक है इसको हम लोग टू पॉइंट फाइव सेलुलर टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं टू सेलुलर टेक्नोलॉजी विथ कम कम्बाइंड विथ जी पी आर एस ठीक है टू पॉइंट फाइव जी में जी पी आर एस इंक्लूड हो गया फीचर्स इसमें क्या क्या इंक्लूड हो गया टू जी के कंपेरिजन में तो फोन कॉल्स आप कर सकते थे सेंड रिसीव ई मेल मैसेज ई मेल मैसेज जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है मैसेज जो है आप भेज सकते थे और रिसीव कर सकते थे मींस ईमेल का जो मैसेज है यहाँ पे इंक्लूड हो गया वेब टेक्नोलॉजी ब्राउजिंग था मतलब आप ब्राउजिंग इसमें कर सकते थे तब तो ईमेल आप सेंड और रिसीव करते तो वेब ब्राउजिंग था स्पीड इसका चौंसठ से एक के बी था ठीक है स्पीड भी बढ़ गया था कैमरा फोन था इसमें कैमरा भी दिया हुआ था टू में टेक ए टाइम ऑफ सिक्स टू नाइन मिनट टू डाउनलोड ए थ्री मिनट एम पी थ्री कोई एम पी थ्री वीडियो था तीन मिनट का तो उसको डाउनलोड करने में छः से नौ मिनट लगता था टाइम ठीक है नेक्स्ट इसके बाद थ्री जी आया थर्ड जेनरेशन थ्री जी टेक्नोलॉजी रेफर्स टू थर्ड जनरेशन विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन ईयर टू थाउजेंड थ्री जी टेक्नोलॉजी कब आया दो हजार ईस्वी में आया ठीक है डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इंक्रीज फ्रॉम एक सौ चौवालीस के टू टू एम अब देखिए इसका डेटा ट्रांसमिशन स्पीड जो है इंक्रीज कर गया एक सौ चौवालीस के बी से 2, दो दो एम तक इसका मैक्सिमम स्पीड चला गया टिपिकली कॉल्ड स्मार्टफोन एंड फीचर्स इंक्रीज इट्स बैन विद एंड डेटा ट्रांसफर रेट टू अकोमोडेट वेब बेस्ड एप्लीकेशन एंड ऑडियो एंड वीडियो फिल्ट फाइल देखिए कह रहा है टिपिकली कॉल्ड स्मार्टफोन थ्री जी फोन को जो है स्मार्ट फोन के नाम से हम लोग जानने लगे स्मार्टफोन इसको कहते थे एंड फीचर्स इंक्रीज इन बैंडविड्थ इसका इंक्रीज़ कर गया डेटा ट्रांसफ़र रेट जो है इनक्रीज़ uh, कर गया ठीक है और इसके कारण वेब बेस्ड एप्लीकेशन इसमें आ गया एंड ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स जो है उसको आप यहाँ पे यूज करने लगे तो थ्री जी टेक्नोलॉजी में जो है क्या डेटा ट्रांसमिशन स्पीड बढ़ गया इसको हम लोग स्मार्टफोन के नाम से जानते हैं आप देख सकते हैं इस तरह का जो है आ गया बहुत सारा अप्लीकेशन आप इसमें रख सकते थे थ्री में उसके बाद जो है और भी क्या क्या फीचर्स है देखिए प्रोवाइडिंग फास्टर कम्युनिकेशन थ्री में जो कम्युनिकेशन होता है वो फास्टर होता है सेंड रिसीव लार्ज ई मेल मैसेजेज ये जो है लार्ज ई मेल इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज सेंड भी कर सकते थे रिसीव भी कर सकते हैं थ्री में हाई स्पीड वेब मोड सिक्योरिटी इसका जो है हाई स्पीड हो गया और सिक्योरिटी जो है सिक्योरिटी पर्पज़ से ये मोर सिक्योर हो गया ठीक है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप कर सकते थे थ्री गेमिंग इसमें खेल सकते थे थर्ड थ्री मोबाइल में टी वी स्ट्रीमिंग इस्ट्रीमिंग था इसमें मोबाइल टी है फोन uh, कॉल्स है लार्ज कैपेसिटीज एंड ब्रॉडबैंड कैपेबिलिटी इसमें ज़्यादा कैपेसिटी था और ब्रॉडबैंड कैपेबिलिटी भी था ठीक है 11 सेकेंड टू 1.5 पॉइंट फाइव मिनट टाइम टू डाउनलोड ए थ्री मिनट एम पी सॉन्ग एम पी सॉन्ग को डाउनलोड करने के लिए मीन्स तीन मिनट का अगर एम थ्री सॉन्ग है तो उसको डाउनलोड करने के लिए ग्यारह सेकेंड से लेकर के वन पॉइंट फाइव मिनट तक लगता है थर्ड जनरेशन में ठीक है कुछ खामियां भी है थर्ड जनरेशन का तो इसमें है एक्सपेंसिव फी फॉर थ्री लाइसेंस सर्विस थ्री का जो लाइसेंस लेने के लिए ये महंगा है एक्सपेंसिव है ठीक है तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया इट वॉज चैलेंज टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर थ्री जी थ्री जी का जो है थर्ड जनरेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था हाई बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट इसमें ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिए ठीक है एक्सपेंसिव थ्री जी फ़ोन थ्री जी फोन जो था वो महंगा था कंपेयर टू फ वन जी और टू जी के कंपेरिजन में थ्री जी फ़ोन जो है महंगा है लार्ज सेल फोन और ये लार्ज भी होता है आप देखेंगे तो ये उससे जो है वन टू जी फ़ोन से जो देखेंगे उससे लार्ज होता है तो ये ड्रॉबैक हो गया इसके बाद फोर जी आया ठीक है फोर जी फोर जी टेक्नोलॉजी एनी टाइम एनी वेयर इसका जो थीम था वो एनी टाइम एनी वेयर मीन्स कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी टाइम में फोर जी वर्ल्ड वेलकम टू एनी वेयर एनी वेयर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं अब देखिए फोर जी में क्या है फोर जी टेक्नोलॉजी रेफर्स टू और शॉर्ट नेम ऑफ फोर्थ जनरेशन फोर्थ जनरेशन को ही हम लोग फोर जी बोलते हैं फोर्थ जनरेशन विच वॉज स्टार्टेड फ्रॉम लेट टू थाउजेंड दो हज़ार ईस्वी के जो है अंत uh, में 2000 के जो है लेट ट्वेल्व थाउजेंड में ये आया था 4G टेक्नोलॉजी कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग 100 एम बी पी एस टू वन जी बी पी एस स्पीड और इसका स्पीड देखिए बढ़ के कहाँ हो गया 100 सौ एम बी पी एस से वन जी बी पी एस मतलब 100 सौ मेगा बिट्स पर सेकेंड से लेके वन गीगा बिट्स पर सेकेंड स्पीड हो गया वन ऑफ द बेसिक टर्म यूज टू डिस्क्राइब फोर जी इज मैजिक एक टर्म फोर जी के लिए डिस्क्राइब होता इसको magic है इसको हम लोग मैजिक बोलते हैं मैजिक मैजिक का फॉर्म क्या होता है मोबाइल मल्टीमीडिया एनी टाइम एनी वेयर ग्लोबल मोबिलिटी सपोर्ट इंटीग्रेटेड वायरलेस सॉल्यूशन कस्टमाइज पर्सनल सर्विस ठीक है तो ये जो है मैजिक का फुलफॉर्म हो गया मींस मोबाइल मल्टीमीडिया मीडिया एनी वेयर एनी टाइम एनी वेयर कहीं भी यूज कर सकते हैं ग्लोबल मोबिलिटी सपोर्ट मींस मोबिलिटी आप एक जगह से दूसरे जगह, जगह जो है मूव करते हैं तो ग्लोबली ये सपोर्ट करेगा इंटीग्रेटेड वायरलेस सॉल्यूशन था कस्टमाइज पर्सनल सर्विस था ऑल्सो नोन एज मोबाइल ब्रॉडबैंड एवरीवेयर हम लोग फोर को इस नाम से भी जानते हैं मोबाइल ब्रॉडबैंड एवरीवेयर द नेक्स्ट जेनरेशन ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी डेट प्रोमिस हायर डेटा रेट एंड एक्सटेंडेड मल्टीमीडिया सर्विस ये जो फोर्थ जेनरेशन था ये वायरलेस टेक्नोलॉजी जो क्या है प्रॉमिस करता है हाइय डेटा रेट्स हाई डाटा रेट जो है बहुत ही हाई होता है अभी आप देखेंगे तो खास करके हमारे देश इंडिया में 4G टेक्नोलॉजी जो है धरल्ले से यूज़ होता है बहुत ही यूज़ किया जाता है 4G टेक्नोलॉजी का हम लोग 4G टेक्नोलॉजी का ही यूज़ करते हैं अब तो 5G टेक्नोलॉजी भी बड़े बड़े शहर में आ गया है और बहुत जल्द जो है 5G टेक्नोलॉजी भी इंडिया में पूरा कवर कर लेगा पूरे इंडिया को लेकिन अभी रिसेंटली अभी जो है हम लोग फोर टेक्नोलॉजी पर यूज़ करते हैं और बहुत ही आसानी से यूज़ करते हैं कैपेबल टू प्रोवाइड स्पीड इस्पीड हंड्रेड एम बी पी एस टू वन जी बी पी एस ये एक सौ एम बी पी एस से हंड्रेड जी बी पी एस तक जो है ये स्पीड प्रोवाइड करता है हाई क्यू ओ एस एंड हाई सिक्योरिटी क्यू ओ एस का फोरफर्म क्या होता है क्वालिटी ऑफ सर्विस फोर जी का जो है क्वालिटी ऑफ सर्विस वो हाई होता है और हाई सिक्योरिटी होता है सिक्योरिटी पर हाई है प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ सर्विस एट एनी टाइम एज पर यूजर रिक्वायरमेंट ये कह रहा है किसी भी काइंड का सर्विस किसी भी तरह का सर्विस जो है किसी भी टाइम में आ, प, एज पर यूजर रिक्वायरमेंट मतलब यूजर रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी टाइम में जो है किसी तरह का सर्विस ये प्रोवाइड करता है कहीं भी फीचर्स इसमें क्या क्या फीचर्स है तो मोर सिक्योरिटी सिक्योरिटी परपज से ये ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है हाई स्पीड होता है हाई जो है कैपेसिटी होता है लो कॉस्ट पर बिट और इसका जो कॉस्ट होता है पर बिट ये लो होता है देख रहे हैं फोर में जो है फोर टेक्नोलॉजी कितना सस्ता हो गया ठीक है तो ये जो है एंड्रॉइड फ़ोन को भी सपोर्ट करता है और यहाँ पे आईफोन देख रहे हैं आईफोन दोनों में जो है फोर टेक्नोलॉजी सपोर्टेड है नेक्स्ट हम लोग कुछ ड्रॉबैक्स की बात कर ले तो बैटरी यूजेज इज़ मोर फोर टेक्नोलॉजी जो है बैटरी ज़्यादा यूज करता है क्योंकि डाटा स्पीड ज़्यादा है डेटा ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो बैटरी जो है ज़्यादा कंज्यूम करता है हार्ड टू इंप्लीमेंट फोर को जो है इम्प्लीकेंट इम्प्लीमेंट करना जो है हार्ड है डिफिकल्ट है नीड कॉम्प्लिकेटेड हार्डवेयर इसमें जो है कॉम्प्लिकेटेड मीन्स जटिल जो है हार्डवेयर चाहिए एक्सपेंसिव इक्विपमेंट रिक्वायड टू इम्प्लीमेंट नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क नेक्स्ट जनरेशन के नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसमें जो है एक्सपेंसिव इक्विपमेंट चाहिए मीन्स ज़्यादा महंगा जो है इक्विपमेंट चाहिए तो ये भी इसका डिसएडवान्टेज हो गया अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर जी फोन है ये ये वॉलूम के लिए अप और डाउन वॉलूम के लिए यूज किया जाता है ये रिंग के लिए यूज़ करते हैं यहाँ जो है ऑन ऑफ स्लिप वेब के मोड के लिए है और यहाँ पे होम स्क्रीन दिया हुआ है तो ये 4G टेक्नोलॉजी का है कुछ कुछ ड्रॉबैक है उसके बाद अगर हम लोग कंपैरिजन करें 3G 3G और 4G में द बेसिक डिफरेंस बिटवीन 3G एंड 4G इन डेटा ट्रांसफ़र एंड सिग्नल क्वालिटी के रेट में देखिए यही दो मेन चीज़ होता है किसी भी जनरेशन के लिए मीन्स डेटा ट्रांसफर रेट कितना है और सिग्नल का क्वालिटी क्या है तो डेटा ट्रांसफर रेट का कम्पेरिजन हम लोग बात करें तो ये इंटरनेट सर्विस जो है थ्री का ब्रॉडबैंड सर्विस है और फोर में अल्ट्रा ब्रॉडबैंड सर्विस था मोबाइल टी वी रिजोल्यूशन मोबाइल टी वी रिजोल्यूशन जो है थ्री जी का लो है और फोर जी में हाई है मीन्स मोबाइल का भी रिजोल्यूशन की बात करें तो फोर जी का हाई रिजोल्यूशन है और थ्री जी का लो रिजोल्यूशन है टी वी में भी सेम चीज़ है थ्री जी में लो रिजोल्यूशन फोर जी में हाई रिजोल्यूशन बेनविट की बात करें तो थ्री जी का जो बेनिट होता है वो पाँच से बीस मेगा हर्ज होता है और फोर जी का जो बेनिफिट है वो हंड्रेड मेगा हर्ज है मीन्स बेनिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी जो है 1.6 पॉइंट सिक्स से टू गीगा होता है किसका थ्री जी का और फोर जी का जो फ्रीक्वेंसी है वो दो से आठ गीगा होता है डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड की बात करें तो थ्री जी का 5.8 पॉइंट है और फोर जी का जो है फोरटीन एम है मीन्स डेटा ट्रांसफ़र स्पीड कितना बढ़ गया 5.8 पॉइंट से फ़ोरटीन एम हो गया तो डाउनलोडिंग या अपलोडिंग स्पीड जो है फोर का थ्री जी के कंपेरिजन में बहुत ही अच्छा है ठीक है अब यहाँ पे देख सकते हैं वायरलेस मॉडल ऑफ थ्री जी और फोर जी का वायरलेस मॉडल है आप देख सकते हैं थ्री जी का ये मॉडल है और यहाँ पे फोर जी का मॉडल है कैसे कैसे सेल फोन में जो है इवोल्यूशन आते चला गया नेक्स्ट हम लोग बात कर ले जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी है वो फाइव जी है फिफ्थ जनरेशन फाइव जी टेक्नोलॉजी रेफर्स टू शॉर्ट नेम ऑफ फिफ्थ जनरेशन फाइव जी मीन्स फिफ्थ जनरेशन की बात विच वॉज स्टार्टेड फ्रॉम लेट 2010 2010 के जो है बाद जो है ये 5G टेक्नोलॉजी आया इंडिया में तो अभी अभी लॉन्च ही हो रहा है कुछ कुछ शहर में जो है लॉन्च हुआ है जो भी महाशहर है और छोटे शहर में अभी भी नहीं आया है लेकिन ये 2010 के बाद ही जो है ये आ गया था कंप्लीट वायरलेस कम्युनिकेशन विथ ऑलमोस्ट नो लिमिटेशन ये जो आपका फाइव टेक्नोलॉजी है ये कंप्लीट वायरलेस कम्युनिकेशन है मीन्स इसमें सब चीज़ दिया हुआ है और बहुत कम लिमिटेशन है इसमें इट इज़ हाईली सपोर्टेबल टू डब्लू 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 डब्ल्यू ये जो है सपोर्ट करता है हाईली सपोर्ट करता है वायरलेस वर्ल्ड वाइड वेब को वायरलेस वर्ल्ड वाइड वेब को ये सपोर्ट करता है फाइव जी टेक्नोलॉजी हाँ इसका हम लोग स्पीड की बात करें तो हाई स्पीड होता है हाई कैपेसिटी होता है फाइव जी टेक्नोलॉजी प्रोवाइडिंग लार्ज ब्रॉडकास्टिंग ऑफ डेटा इन जी बी पी एस और ये जो डाटा ब्रॉडकास्टिंग करेगा वो जी बी पी एस में करेगा मीन्स गीघा बिट्स पर सेकेंड में करेगा मीन्स काफ़ी जो है हाई स्पीड होने वाला है मल्टीमीडिया न्यूज़पेपर वाच टीवी प्रॉपरली क्लैरिटी क्लेरिटी ठीक है ये जो है न्यूज़पेपर जो है आप मल्टीमीडिया न्यूज़पेपर वाच टीवी आप आसानी से ये सब चीज़ जो है स्पीड बढ़ जाएगा एज टू डेट ऑफ एन एच क्वालिटी और इसका जो है आ, हाई डिस्प्ले क्वालिटी भी इंक्रीज है फास्टर डेटा ट्रांसमिशन डेट ऑफ द प्रीवियस जनरेशन अगर फोर्थ जनरेशन की बात करें तो फिफ्थ जनरेशन का जो है डेटा ट्रांसमिशन जो है वो काफ़ी फास्टर होगा और जितना ज़्यादा फास्टर होगा डेटा ट्रांसमिशन उतना कम टाइम कंज्यूम करेगा और उतना अच्छा से जो है वर्क हो पाएगा लार्ज फोन मेमोरी इसमें जो है स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है डायलिंग स्पीड डायलिंग स्पीड क्लैरिटी इन ऑडियो वीडियो और इसका जो है क्योंकि ये ज़्यादा जी देगा तो इसका जो है वीडियो या ऑडियो का क्लेरिटी जो है शुद्धता जो है कलेरिटी जो है और बढ़ जाएगा ठीक है मीन्स अच्छे क्वालिटी में आप वीडियो देख सकते हैं सपोर्ट इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया मीडिया ये इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया को सपोर्ट करता है वॉइस स्ट्रीमिंग वीडियो वॉइस स्ट्रीमिंग वीडियो आप वीडियो को स्ट्रीम कर सकते हैं वॉइस कर सकते हैं इंटरनेट एंड अदर इंटरनेट और अदर परपज फाइव जी इज़ मोर इफेक्टिव एंड मोर एट्रैक्टिव फाइव जी फाइव जी जो है अदर चार जनरेशन के कंपैरिजन में ज़्यादा इफेक्टिव है और ज़्यादा अट्रैक्टिव है ठीक है अब हम लोग कंपैरिजन देख ले 4G और 5G में तो यहाँ पे देख सकते हैं स्विचिंग के लिए सर्किट या पैकेट का यूज़ कियाता है फोर जनरेशन में और ये दो से दो तक जो है फोर यूज़ किया होता है और यहाँ से फाइव जो है दो से दो का दिया हुआ है फाइव अभी भी बहुत सारे कंट्री में नहीं आया है और खासकर इंडिया में इंडिया में लॉन्च हो चुका है लेकिन छोटे छोटे शहर में धीरे धीरे आ रहा है धीरे धीरे टाइम लगेगा अभी डेटा रेट की बात करें तो इसमें जो है फोर जी में ट्वेंटी एम में है इसमें जो है फाइव जी में अप टू वन जी बी टेक्नोलॉजी जो है कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रॉडबैंड लैन वैन पैन ये सब का लोकल एरिया नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क और पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क का यूज इसमें भी जो है फाइव जी में जो है कम्बिनेशन ऑफ ब्रॉडबैंड लैंड वैन पैन तीनों का जो है कम्बिनेशन का यूज़ किया जाता है अब देखिए इवोल्यूशन की बात करें वन जी से फाइव जी में देखिए कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ तो वन जी जो है सबसे पहले उन्नीस सौ इक्यासी में आया और ये इस तरह का फ़ोन था काफ़ी मोटा फ़ोन था हैंडल करने में काफ़ी डिफ़िकल्ट था उसके बाद उन्नीस सौ बिरानवे में टू जी आया ठीक है कनेक्टिंग इंडिया थर्ड जनरेशन में जो है दो हज़ार एक में ये आपका आया फोर जी जो है ये एंड्रॉयड को सपोर्ट किया थर्ड थ्री जी जो है थर्ड जनरेशन ये मल्टीमीडिया सेट को सपोर्ट कर रहा था उसके बाद फोर्थ जनरेशन में जो है एंड्रॉयड सेट आया और फिर जो है फोर्थ जनरेशन और ये भी काफ़ी अच्छा काम किया उसके बाद फाइव जनरेशन ये 2020 में ये तो सबसे लेटेस्ट है और सबसे अच्छा टेक्नोलॉजी है फाइव अब हम लोग वायरलेस का यूज देखे जो अपल्लीकेशन कहाँ कहाँ हम लोग वायरलेस का यूज़ करते हैं वायरलेस अप्लीकेशन आर दोज विथ वी यूज फ्री स्पेस एज द ट्रांसमिशन मीडिया मीन्स हम लोग ट्रांसमिशन मीडियम के तौर पे फ्री स्पेस का यूज करते हैं एंड डू नॉट इन्वॉल्व केबलिंग केबलिंग लाइक फाइबर और कॉपर केबल्स वायरलेस में जो है इसमें मीन्स फ्री स्पेस का यूज किया जाता है जो मीडियम होता है वायरलेस कम्युनिकेशन में वो होता है रेडियो वेव्स या फिर माइक्रोवेव्स यहाँ पे मीन्स वायर्ड कम्युनिकेशन की तरह फाइबर या कॉपर केबल का यूज़ नहीं किया जाता है यहाँ पे देखिए वेब इनेबल फोन्स हैंड हेल्ड कंट्रोलर पेजर्स में यूज किया जाता है वायरलेस सिस्टम का पी डी एप्लीकेशन में पी टू पीड अपलिकेशन तो बहुत ज़्यादा लार्ज अप्लीकेशन है वायरलेस का और वायरलेस का सर्विस की बात करें कहाँ कहाँ पे सर्विस वायरलेस का होता है तो वायरलेस सॉल्यूशन फॉर बिजनेस एंड इंडस्ट्री बिजनेस में वायरलेस कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है स्कूल में यूज़ किया जाता है कॉलेज में यूज किया जाता है, है वाईफाई जो हम लोग यूज़ करते हैं ठीक है डॉक्टर्स लोग यूज़ करते हैं पायलट्स यूज करते हैं वाई वायरलेस सर्विस को पुलिस जो है वायरलेस सर्विस यूज करता है व्हीकल्स में वायरलेस यूज मीन्स हर जगह डे टू डे लाइफ में हर जगह जो है इसका यूज है अब हम लोग कंक्लूड करें वन जी टू जी थ्री जी फोर जी और फाइव जी टेक्नोलॉजी में तो सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो फाइव जी टेक्नोलॉजी है ऑल टोटली द बेस्ट वे टू हेल्प ऑल यूजर टू यूज़ फाइव जी एज द नेक्स्ट वायरलेस सिस्टम एंड इट टोटली इट इज सेफ्टी एंड सिक्योर फॉर पब्लिक दिस इज नीड डैट डिमांड्स दोल्यू डिमांड्स द सॉल्यूशन ये फाइव जी टेक्नोलॉजी जो है ये सब जनरेशन में सबसे अच्छा है फिफ्थ जनरेशन जो है सबसे अच्छा है और ये जो डिमांड है उसका वो ये फुलफिल करेगा ठीक है ये डिमांड को जो है मार्केट में जो डिमांड है हाई स्पीड का उसको ये फुलफिल करेगा और ये सेफ्टी है प्योर सेफ्टी है और सिक्योर है टुडे वाइड सोसाइटी इज गोइंग वायरलेस एंड इफ इट हैज प्रॉब्लम फाइव इज आंसर देखिए आजकल जो है सोसाइटी जो है वाइड सोसाइटी जो वाइड के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता था वो सब जो है वायरलेस कम्युनिकेशन होते होने होना, होना शुरू हो गया है वायरलेस कम्युनिकेशन को प्रीफर करता है और इसके लिए 5G जो है सबसे बड़ा आंसर है सबसे बड़ा जो है ऑप्शन है फाइव जी फाइव टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू गिव टफ कम्पटीशन टू कंप्यूटर एंड लैपटॉप ये जो है टफ कॉम्पिटिशन देने जा रहा है कंप्यूटर और लैपटॉप में फाइव टेक्नोलॉजी इट इज इट विल बी एवेलेबल इन द मार्केट 2020 2020 से ये अवेलेबल है मार्केट में एट एफोडेबल कॉस्ट मीन्स जिसमें आप आसानी से जो है एफोर्ड कर सकते हैं सस्ता में विथ मोर रिलेबिलिटी देन प्रीवियस मोबाइल्स और इसका रिलेबिलिटी जो है भरोसा मंद जो है विश्वसनीय है प्रीवियस फोर जी जेनरेशन के कंपेरिजन में तो फाइव जी का जमाना है बहुत ही अच्छा है और सभी जनरेशन में सबसे अच्छा जो है फाइव जी है इसी तरह से नया नया टेक्नोलॉजी जो है आते रहेगा जैसे आप देख रहे हैं उन्नीस सौ अस्सी के बाद वन जी टू जी थ्री जी फोर जी फाइव जी आया फिर उसके बाद जो है आगे भी टेक्नोलॉजी जो है बढ़ते रहेगा ठीक है और ये जो है बहुत ही जरूरी है टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगा देश जो है या वर्ल्ड का बोल सकते हैं विकास होते रहेगा तो इस वीडियो में हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन को देखें थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच